श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे आज के इस एपिसोड में है। इस एपिसोड में हम आपको इस तरह से जागरूक करना चाहते हैं कि आपकी जीवन की हर एक ऐसी समस्या होती है कि हमारे घर के अंदर आर्थिक कटौती है। फ्रेंड्स, आर्थिक कटौती, आर्थिक समस्या, धन की तंगी, ये सब किस पे निर्भर है और ऐसी कौन सी चीजें हैं कि ये जो चीज हमें आपको आज बतानी पड़ती है। फ्रेंड्स, आर्थिक कटौती और धन की तंगी, पैसों का बचत नहीं होना और घर में पैसा नहीं आना, ये सब रीजन एक हमारे घर के अंदर पाए जाने वाले ऐसे वास्तु दोष से निर्भर है कि वो कई वास्तु दोष आपके घर में भी दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, वास्तु के अंदर इसके बारे में बहुत कुछ आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इस चर्चा के दौरान हम आपको बताएंगे कि आपके घर के अंदर वो कौन सी चार गलतियां हो रही है जो गलती की वजह से आज आप ऐसा कह सकते हो कि हमें पैसे की तंगी है। ये कहने का भावार्थ नहीं है, हमारे साथ ऐसा होता है क्योंकि जब जब पैसे की तंगी हमारे जीवन में दिखती है तो उसके कार चार रीजन हो सकते हैं। एक तो सबसे पहला ये रीजन है कि हमारी धन की कमी, यानी धन हमारे घर में आ नहीं रहा। तो धन क्यों नहीं आ रहा? हम पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करते हैं, बट वो मेहनत करने के बाद भी जो हमें धन मिलना चाहिए उस अवेज में मिलता नहीं है। कहीं हमारी बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर पैसा कहीं फंस जाता है, और जॉब की बात करें तो तनख्वाह कहीं अटक जाती है, या फिर हमें अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं मिलती। दूसरा होता है बिजनेस के अंदर लॉस जाना। तो कोई ऐसी घटना हो जाती है कि बिजनेस के अंदर लॉस चला जाता है तो हमारा जो बिजनेस में कमाया हुआ धन एक साथ ही निकल जाता है। इस तरह से धन की कमी के और एक रीजन है बीमारियां। तो घर के अंदर ऐसी कोई बीमारी लग जाती है, सदस्य बीमार होने लगते हैं, तो उससे भी हमारा धन अधिक मात्रा में खर्चा होता है। और दूसरा ये भी हो सकता है हमारे घर के अंदर नुकसान होना, फैक्ट्री के अंदर मशीनरी का नुकसान होना, जॉब के अंदर हमारे व्हीकल्स का नुकसान होना, जॉब अचानक छूट जाना, जॉब में प्रमोशन प्राप्त नहीं होना। तो इतनी सारी समस्या से आज हर कोई इंसान जूझ रहा है और उसको फेस कर रहा है, बट इंसान ने इन सबको अपनी किस्मत का ही खेल समझा। किसी ने ऐसा निजी लेवल पे ये नहीं सोचा कि क्या ये सब में वास्तु कुछ हमें हेल्प कर सकता है। तो आज मेरी बनती कोशिश है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही दिखाना चाहूंगा कि आपके घर के अंदर वो दिशाओं में क्या क्या ऐसा दोष है कि जिससे आपको ये परेशानी आती है। बहुत इसका समाधान भी बहुत एकदम छोटा सा है, बिना कोई भी ऐसी मूड़ी लगाए बिना इसका समाधान होगा। आपको खाली यहाँ पे सचेत होना है, थोड़ा आपको एक शिस्त में आना है और वो चीजों का बहिष्कार करना है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि जीवन में कैसी चीज कहाँ पड़ी होती है तो उससे जीवन के अंदर क्या इफेक्ट आती है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी ये वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो इसको सब्सक्राइब करो और इसको शेयर भी करना, जिससे अधिकतर लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक्स। तो फ्रेंड्स, आपको हम एक वास्तु का एक चित्र बता रहे जिसको शक्ति चक्र से कहा जाता है। इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है जिसको मनी एंड ऑपर्चुनिटीज, यानी धन कमाने की नई नई अवसर लाने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ का जो स्वामी है बुध है, यानी बुध ग्रह यहाँ पे धन समृद्धि हमें असर देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देखेंगे तो एक नॉर्थ की डायरेक्शन, और दूसरी आपको मैं दिखाऊंगा कि धन का संचय कहाँ होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण, जहाँ के लॉर्ड है, जहाँ के प्लेनेट है शुक्र ग्रह। तो यहाँ कैश एंड लिक्विडिटी, यानी पैसों की जो कहते हैं ना, हमारे पास हाथ में जो पैसा रहता है, यहाँ से धन आता है और यहाँ पे हाथ में जो पैसा रहता है वो बताया गया है। अगर शुक्र संबंधित आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार का दोष है, अग्निकोण के अंदर कोई भी प्रकार का दोष है, उसी तरह बुध दिशा यानी बुध ग्रह से संबंधित आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार का दोष है, और मनी संबंधित उत्तर दिशा में कोई भी प्रकार का दोष है, तो नहीं आपके घर में धन आएगा, नहीं वो धन आपको संचय कर पाओगे। क्योंकि साथ साथ यहाँ पे आपको देखना है वेस्ट शनि ग्रह की दिशा। अगर पश्चिम दिशा में भी कोई दोष है तो वहां पे गेन एंड प्रॉफिट, समझ लिए कि आपको जो पैसा बचा है उससे आपको आगे बढ़ना है, वो आप बढ़ नहीं पाओगे, आपके जीवन के अंदर प्रॉफिट नहीं होगी। और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो सेविंग की है। ये कुछ आप लोग सब जानते होंगे और मेरी कई वीडियो में मैंने इसको चर्चा में भी ले रखा है, बट आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक सपोज कीजिए कि आपका खुद का घर है और वहां पे नॉर्थ दिशा के अंदर या साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर या पश्चिम दिशा के अंदर या डब्ल्यू एस डब्ल्यू यानी वेस्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर एक आपके घर के अंदर
कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, एक आप गेस करना या आपको खाली समझना है। अगर वहां पे मकड़ी के जाले लगे हुए या फिर वहां पे मकड़ी अपना घर बना रहे तो इससे क्या इफेक्ट होगी। तो जिस तरह से मकड़ी अपना जाला बनाते हैं वैसे आप अपने आर्थिक समस्या में उलझे रहोगे, वहां से कभी बाहर नहीं आओगे, कोई रास्ता नहीं निकाल पाओगे कि मैं धन को कैसे संचय करूं, कैसे धन की वृद्धि करूं, कैसे पैसा बचाऊं, कैसे नए नए प्रोजेक्ट में अपना ध्यान लेके जाऊं और कैसे इनकम बढ़ाऊं, कैसे मैं बचत का सेविंग करूं। यहाँ पे आपको कुछ सुझाव ही नहीं देगा क्योंकि आपकी जो घर की ओरा है वो ओरा इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है ये मकड़ी के जाले की वजह से। तो आपको ये मकड़ी के जाले दिन में, रात में नहीं, यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, समाधान भी दे रहा हूं, दिन में आपको ये मकड़ी के जाले साफ करने हैं। तो आपकी जो भी कोई वास्तु के कोई भी कोना, यहाँ चार तीन कोने की बात नहीं हो रही, पूरे वास्तु की बात हो रही है। यहाँ एक रेसिडेंस वास्तु की बात नहीं हो रही, कॉमर्शियल वास्तु की बात हो रही है, फैक्ट्री की भी बात हो रही है, कॉमन विषय है, कॉमन सब्जेक्ट है, सामान्य हर लोगों के लिए ये एक बहुत ही कहते हैं स्टडी वाला वीडियो है। तो ये मकड़ी के जाले आप वहां से हटा देंगे तो धीरे धीरे आपके घर के अंदर आर्थिक तंगी, पैसों की समस्या दूर होती दिखाई देगी। बहुत आसान उपाय है, इस आसान उपाय को करने के लिए आपको एक डिसिप्लिन में आने का पड़ होगा और आपको वो उपाय करना होगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बता रहा हूं कि कहीं पे किसी जोन के अंदर ये आपकी खिड़की कोई जोन में आ रही है, जैसे नॉर्थ में ले लीजिए, साउथ ईस्ट में ले लीजिए, साउथ में ले लीजिए, तो वहां पे कहीं खिड़की है, कोई फोटो फ्रेम है या कोई मिरर है, उसका कांच अगर टूटा होगा तो अगर ये चीज भी आपके घर के अंदर दिखेगी तो समझ लेना वहां पे भी आपको नेगेटिव ओरा का सामना करने पड़ेगा, नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और घर में से वास्तु दोष बना रहेगा, वहां पे भी धन की प्रॉब्लम, पैसा नहीं बचना, बीमारियों का होना और घर के अंदर पैसे के नहीं होने की वजह से घर में कलेश का होना। कुल मिला के मकड़ी का जाला, ये कांच, ये आपके जीवन को बर्बाद करेगा। और यहाँ पे उपाय क्या है, उपाय खाली इतना उपाय है कि आपको यहाँ पे ये कांच चेंज करना है। अगर मकड़ी के जाले भी समय निकलते आपने निकाल दिए, कांच भी चेंज हो गया, तो समझना आप काम करो, घर आके सो जाओ, पैसा अपना आप चलता आएगा और आपकी सेविंग बढ़ेगी। ये एक बहुत ही बड़ी वास्तु की टिप्स है जो आज मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। वीडियो लंबी बन रही है, आपको यहाँ पे ये वीडियो देखनी है जिससे आपको एक नेगेटिविटी है आपके जीवन के अंदर वो सॉल्व हो जाए। ये कांच चेंज करना भी आपके रूल्स में आएगा। उसी तरह हम आगे बात करेंगे पानी का नल, चाहे वो बाथरूम का हो, चाहे वो किचन का हो, चाहे वो वॉश बेसिन का है या वॉश एरिया का है, अगर वो पानी लगातार टपक रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये नल लगातार लीकेज हो रहा है, ये भी देख लीजिए, और यहाँ पे ये देखिए ये नल लीकेज हो रहा है, तो इसको तुरंत मरम्मत कराइए, इसको आप तुरंत रिपेयर कराइए। जिस तरह से वास्तु के अंदर कहा गया है धन को पानी के प्रतीक के साथ जोड़ा गया है, महालक्ष्मी जी के साथ जोड़ा गया है, अगर यहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है तो पानी घर में पानी पैसे की तरह, यानी पैसा पानी की तरह वेस्ट होगा, आए दिन बीमारियां लगेगी, कहीं ना कहीं मेडिकल में चले जाएगा, कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में चला जाएगा, पैसा आपके घर में टिकेगा नहीं। एक नॉर्मल टेक्निकली देखेंगे पानी लीकेज हो रहा है, आप वॉटर टैंक भर रहे हो, वापिस पानी लीकेज हो रहा है, क्या इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, वहां पे भी खर्चा ही हो रहा है ना, फिजूल खर्चा हो रहा है। तो फिजूल खर्चे अटकाने के लिए चाहे वो मेडिकल के हो, मेंटेनेंस के हो, बट ये अगर आप चेंज करवा रहे हो, मरम्मत करवा रहे हो किसी कारीगर के से पास, तो आने वाले दिन में आपके घर के अंदर बचत दिखेगी। ये सिंपली लॉजिक है, सिंपली सिंपल ज्ञान है, हर किसी इंडस्ट्रीज में भी ये देखना है कि वहां पे नल लीकेज मिलते हैं। ये हमारी केस स्टडी है, उससे ये एपिसोड तैयार किया है। और नेक्स्ट आपको हम यहाँ बताएंगे घर में रखा कबाड़ और ताला बिना की चाबी। अगर आपके किसी जोन के अंदर आपने स्टोरेज कर रखा है ये कबाड़, ये आपने नॉर्थ में रख दिया, साउथ ईस्ट में रख दिया, ये ताला रख दिया, इसकी चाबी नहीं है, तो ये आपके बंद भाग्य का ही सूचक है। आपका भाग्य एकदम ढेर हो जाएगा, भाग्य ब्लॉक हो जाएगा, धन घर में नहीं आएगा, नई नई चीजें घर में नहीं आएगी, प्रोग्रेस नहीं देखेगी, गेन प्रॉफिट नहीं होगा, पैसा बचत नहीं करेगा और आए दिन घर के अंदर समस्या रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ लंबी बात नहीं करते हुए वीडियो को यही विराम दे रहा हूं, आप ये चीज को हटा दीजिए, सिंपली रेमेडी है, आप इस पे सचेत हो जाइए, देखिए आपके पास ऑटोमेटिक कैसे इनकम फ्लो आ रहे, कैसे धन कमाने के नए नए तरीके आ रहे और कैसे घर के अंदर धन आ रहा है। अगर एक बार धन आ गया, धन की बचत हो गई, तो और सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, घर में एकदम सुकून
वातावरण हो जाएगा, हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, घर में बीमारियां कम होगी, कलेश कम होंगे, घर स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो आपको खाली ये गाइड करने के लिए, अगर हो सके तो इसकी जो मैं टॉपिक आपको टिप्स दे रहा हूँ वो टिप्स आप कर लीजिए, तुरंत आपके जीवन में राहत हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर